Hi everyone. Guys, our film Superstar is coming out this Eid al-Adha. So, go and book your tickets online from booketnow.pk. Now. मेरे पास अल्फाज नहीं है, बस यूं समझ लो मेरी दुआएं कबूल हो गई। ये बताओ मैं तुम्हें लेने कब आऊं? जब आपके लिए आसानी हो, आपका इंतजार करूं। कि मीर और आबरू के दरमियान जरूर कुछ चल, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आबरू इतनी घटिया हरकत करेगी। वलीद ने जो बोया वो उसे काटना तो पड़ेगा, तो मैं उसे ऐसी पनिशमेंट दूंगा कि वो सारी जिंदगी याद रखेगा। हर इंसान की इज्जत उसके अपने हाथ में होती है और मैं कोई ड्रामा क्रिएट नहीं करना चाहती, इसलिए अगली बार ख्याल रखना। बेटा हम खड़े क्यों हैं? यही बातें बैठकर भी हो सकती हैं। नहीं अंकल, आप बैठे मैं चलता हूँ। अरे नहीं बेटा, कहाँ जा रहे हो? भाई हो तो खाना खा कर जाओ। अंकल आई प्रॉमिस यू, मैं फिर कभी आपके साथ जरूर खाना खाऊंगा। बेटा उस दिन भी तुम आबरू को घर छोड़ने आए थे और बगैर खाना खाए चले गए। आबरू बेटा, इस सारी मसरूफियात के बावजूद मीर तुम्हें घर छोड़ने आया है, उसे खाना खाने के लिए नहीं कहोगी? बाबा इतना इंसिस्ट करें तो आप खाना खा कर ही जाए। बेटा तुम खाना लगाओ, इतनी देर में मीर के साथ बैठकर कुछ बातें कर लेता हूँ। आओ बेटा बैठो। मॉम, ये साइम भाई की जगह वापस लेने की और मेरे दोबारा से ऑफिस ज्वाइन करने की बात डैड से किसने की? Really? ये बेमकसद सा सवाल तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? झूठ कौन बोल रहा है? सिर्फ ये कंफर्म करना चाहता हूँ। आया ने मुझसे कहा कि उसने आबरू से बात की इस बारे में और आबरू ने उससे कहा कि उसको इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। Really can't believe this. मेरा बेटा उन दो टके की बहनों को लेके तुम उनके साथ मेरा कंपैरिजन कर रहे हो, अपनी माँ का? हाँ तुम भूल रहे हो वलीद, शायद मैंने तुम्हें बार बार समझाया था कि इन दोनों से तुम बच के रहो, रिमेम्बर? हाँ शायद आप ये भूल रही हैं कि मेरा नाम वलीद मुराद है, मीर नहीं। और हया के बारे में ऐसी बात मत कीजिएगा क्योंकि आप वो मेरे बदले की माँ हैं।
मुझसे तो कहकर गई थी कि मैं रात को वापस आ जाऊंगी, फिर क्या वजह होगी जो रुक गई वहां पे? I'm sure मेरी वजह से अपने घर में रुकी होगी रात को। क्या मतलब, ये क्या वजह हुई भला? अम्मी ये बात आप भी बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं कि आबरू मेरे साथ कोई वास्ता नहीं रखना चाहती है। सब कुछ जानने के बावजूद भी आप क्यों चाहती है कि हम लोग आपस में मिलते रहे? क्योंकि तुम चाहते हो, हम सब यही चाहते हैं, और शायद साइम भी यही चाहेगा कि उसके बाद आबरू अकेली ना रहे। आखिरी बात यही कहूंगा, आबरू का भी बहुत ख्याल रखना, उसके साथ कोई ज्यादती नहीं होने देना। अब नजरें क्यों चुरा रहे हो? मैंने सच बोल दिया इसलिए? बेटा, तुम्हें किस्मत एक और मौका दे रही है, तो उस मौके का फायदा उठाओ ना तुम। हेलो जी सर, लंच कितने लोगों के लिए ऑर्डर करना है? होल्ड ऑन, आबरू जी लंच में क्या ऑर्डर करूं? नो थैंक्स सर, मुझे भूख नहीं है अभी। For two. Cool. Thank you. मैम, आपने मुझे बुलाया। वलीद खैरियत है? आजकल तुम नजर ही नहीं आ रहे। हाया ने अब मेरे पास आने से भी मना कर दिया। कम ऑन, कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझे ये बताएं कि आपने मुझे क्यों बुलाया? तुमने हाया को अभी तक वापस उसके घर क्यों नहीं भेजा? मैं कैसे उसको उसके घर भेज सकता हूँ? आखिर उसका कसूर क्या है? जब उसने कुछ किया ही नहीं है तो मैं उसको उसके घर कैसे भेज दूं? रेली वलीद, हाँ, हाया ने मुझे इतना इंसल्ट किया है, मुझे झूठा साबित करने की कोशिश की है, और तुम मुझे कह रहे हो कि उसका कसूर क्या है? मॉम, मैं इस बेकार की बहस में नहीं पड़ना चाहता। से बेहतर यही होगा आप इस मैटर को इसी वक्त खत्म कर दें। ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। वलीद, हाया अच्छी तरह जानती है कि आबरू उसकी दुश्मन है। फिर भी उसका कितना ख्याल कर रही है, कितना टेंपर कर रही है उसको, क्यों? मॉम, हया भी आबरू को अपना दुश्मन समझती है। वो हमसे ज्यादा नफरत करती है अपनी बहन से। ये बात आपकी समझ में क्यों नहीं आ रही? देखो, हया क्या समझती है क्या नहीं समझती है, इट्स नन ऑफ माय बिजनेस। आई जस्ट वांट टू मेक श्योर वलीद दैट यू शुड अंडरस्टैंड, हया और आबरू को इस घर से जाना पड़ेगा, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। Got it? अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। आपका नाश्ता बना के टेबल पे रख दिया। नाश्ता भी कर लूंगा बेटा, मुझे ये बताओ तुम यूनिवर्सिटी नहीं गई आज? बाबा, वो आज यूनिवर्सिटी वालों की तरफ से फेयरवेल की पार्टी थी फार्म हाउस पे, तो उसी की तैयारी कर रहे हैं। फार्म हाउस पे बेटा, लेकिन फार्म हाउस से यहाँ से काफी दूर है, और
रास्ता भी इतना अच्छा नहीं है, ऊपर से हैवी ट्रैफिक सारी चलती है उस पे, ध्यान से जाना। बाबा आप शायद भूल रहे हैं कि मैं आबी से भी ज्यादा अच्छी और सेफ ड्राइव करती हूँ। भूल नहीं रहा बेटा, तुम्हारी ड्राइविंग पर तो पूरा भरोसा है, लेकिन गाड़ी पर जरा इतना भरोसा नहीं है, वो कहीं पर भी दगा दे सकती है। आप फिक्र नहीं करें बाबा, मैंने आबरू से बात कर ली और उसने मुझे गाड़ी के मसले और हल दोनों बता दिए। कहीं भी कोई भी मसला होगा मैकेनिक बनके ऐसे ठीक कर दूंगी। ठीक है मेरी मैकेनिक बच्ची, ठीक। तुम्हें तो घर जाना था ना? हाँ, वो जमाल अंकल ने घर ड्रॉप करना था तो वो अपने किसी दोस्त की तरफ चले गए, तो बस। अच्छा, मैं भी खरी जा रहा हूँ मेरे साथ। अच्छा, तो नहीं, मैं अपनी राइड बुक करवा चुकी हूँ, बस 5 मिनट में ड्राइवर आते ही होगा। प्लीज जस्ट कैंसिल द राइड मेरे साथ। हेलो मीर भाई। सना, व्हाट हैपेंड? क्या हुआ बताओ, आर यू ओके? मीर भाई, आप जल्दी से यहाँ आ जाएं, मेरे पीछे कुछ लड़के पड़ गए, प्लीज जल्दी से आ जाएं। व्हाट? ओके, डोंट वरी, मैं बस अभी आ रहा हूँ, इसी वक्त आ रहा हूँ। तुम हो कहाँ पे? प्लीज टेल मी। हेलो आबरू बेटा, वो सना अभी तक घर नहीं पहुंची। कुछ देर पहले उससे बात हुई थी तो उसने कहा कि वो रास्ते में है। बेटा अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। तो आपने उसे कॉल की? अब दोबारा मैं उसको ट्राई कर रहा हूँ, वो उसका फोन भी नहीं मिल रहा। बाबा आप फिक्र ना करें, मैं भी ट्राई करती हूँ और बल्कि मैं आपके पास आ जाती हूँ। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, रास्ते में ही होगी। ठीक है बेटा, मैं आ रही हूँ। अल्लाह हाफिज। सना कहाँ चली गई?
मुझे जाना दो, प्लीज मुझे जाना दो। चला, तुम जाओ यहां से। थैंक यू सो मच मीर भाई, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। ये एहसान नहीं, फर्ज है मेरा, वे फैमिली। लेकिन तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा, नेक्स्ट टाइम तुम अकेले कहीं नहीं जाओगी, स्पेशली अकेले ड्राइव करके तो कहीं भी नहीं, ओके? जी, लेकिन आप भी मुझसे एक प्रॉमिस करें कि ये जो कुछ भी हुआ है इसके बारे में ना आप बाबा को कुछ बताएंगे और ना आबरू को। बाबा की तबीयत बहुत खराब रहती है और आबरू बहुत मुश्किल से अपनी जिंदगी में सेटल हो रही है, अगर उन्हें पता चला तो दोनों बहुत परेशान हो जाएंगे। मुझे भी इतनी फिक्र उन दोनों की जितनी तुम्हें है। मीर भाई, मैं बहुत दिनों से आपसे कुछ पूछना चाह रही थी, पूछूं लेकिन देखें सच सच बताइएगा बहन समझ के। आप पूछो क्या पूछना, मैं अपनी बहन से कुछ नहीं छुपाऊंगा। आप आबरू से मोहब्बत करते हैं ना, देखें सच सच बताइएगा, आपको आबरू की कसम। मैं करता हूँ आप उसे मोहब्बत, और शायद मरते दम तक करता रहूंगा। प्रॉमिस मी कि तुम अभी आबरू को कुछ नहीं बताओगे। मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे। किसके साथ आई हूँ? वो गाड़ी खराब हो गई थी तो क्लास वालों ने छोड़ा। ये मुझसे झूठ क्यों बोल रही है? मीर, कल तुम किसके साथ थे? आप भी मुझसे प्रॉमिस करें कि ये जो कुछ भी हुआ है इसके बारे में ना आप बाबा को कुछ बताएंगे और ना आप। तुमसे पूछ रही हूँ मैं कुछ। क्या मतलब तुम किसके साथ थे? इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, बस उसी के लिए गया हुआ था। झूठ मत बोलो तुम, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम किसके साथ थे। कल तक तो बड़े इज्जतदार होने का दावा कर रहे थे, गैरत जाग रही थी मुझे सड़क पे अकेला खड़ा देखकर। निकले ना तुम भी वलीद की तरह घटिया, घिन आ रही है मुझे तुम पे। तुम क्या कह रही हो, फजूल के इल्जाम लगाए जा रही हो मुझे। तुम्हें इसी बात का गुस्सा है ना कि मैंने तुम्हारे भाई से शादी कर ली थी तुम्हें छोड़कर, और तुम उसी बात का बदला लेने के लिए मेरी बहन। तुम इतने घटिया हो सब, तुम सना
हमेशा की तरह इस बार भी नाकामी ही तुम्हारा मुकद्दर बनेगी, समझे तुम? तुम मुझे इतना गिरावा समझती हो कि अगर मैं अपनी सफाई में कुछ कहना भी चाहूं तो शायद तुम कभी यकीन ना करो। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि सायम हमें छोड़ के जा चुका है। अगर उस वक्त सही वक्त पर तुमने आबरू और सायम को अलग कर दिया होता ना तो आज मेरा सायम मेरे साथ होता। What? I don't believe you. आप अब तक आबरू को लेके अपने दिल में ग्रज रख के बैठी हुई हैं? अब तक? आबरू और हया को मैं इस घर से निकाल के दम लूंगी। That's my promise. I don't believe it. आप साइम को खो चुकी हैं। अब वलीद अपनी बीवी हया अपने बच्चे के साथ खुश है तो आप उनकी जिंदगी में जहर क्यों घोलना चाहती हैं? इस सब से आपको पहले भी कुछ हासिल नहीं हुआ और ना आप कुछ हासिल होगा, समझिए। आ जाएं। आप रुपिशा जी, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। बैठे ना, आओ। पहले मुझसे वादा करो कि बगैर किसी दबाव में आके तुम फैसला करोगी और वो कहोगी जो तुम्हारे दिल की आवाज होगी। जी, जमाल भाई और मेरी दिली ख्वाहिश है कि हम तुम्हारी शादी मीर से करवा दें। हो सकता है तुम्हारे दिल में मीर के लिए जगह बन गई हो। बेटा, मैं तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ, ये तो बस हमारी ख्वाहिश थी। हमने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी माना है और मीर अब भी तुम्हें चाहता है, लेकिन मैं फिर भी यही चाहूंगी कि आखिरी फैसला तुम्हारा हो, जो तुम कहोगे वही होगा। मैं मीर से शादी नहीं कर सकती। I'm sorry आंटी। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। भाई की डेथ का क्या राज है? तुम अभी मामा से क्या बात कर रही थी? आबरू और मीर का क्या कनेक्शन है भाई की डेथ से? मुझे सच 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 बताओ। आंटी ने मुझे यहाँ पर ये कह के बुलाया कि आबरू ने साइम से सिर्फ उसके पैसे के लिए शादी की है और वो उसे प्यार नहीं करती, और मुझे कहा कि मैं उन दोनों को अलग कर दूं।
मुझे नहीं पता था कि आंटी सिर्फ मुझे यूज कर रही हैं, और मैं ये नहीं जानती थी कि मेरा ये सब कुछ करने से साइम की एक दिन डेथ हो जाएगी। और जब मैंने बचना चाहा तो मैंने कंफ्यूजन में मीर का नाम दे दिया। आंटी तो तुम दोनों को भी अलग करना चाहती हैं। I'm so sorry. मैं किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं क्या कर, मुझे नहीं पता था कि आंटी मुझे भी यूज कर रही हैं। इसमें मेरी गलती है, लेकिन शायद इतनी नहीं है। I'm so sorry, वली। ये तुम क्या कह रही हैं? आबरू बेकसूर है। हमने जितना रोना था रो लिया, वक्त आ गया है मीर और आबरू के रोने का। ईमेल जनरेट कीजिए, आज से साइम मुराद की सारी डीलिंग्स मैं देखूंगा। मीर और आबरू मिलकर इस फैमिली के साथ वो खेल खेल रहे हैं जो तुम अभी नहीं समझ सकते। कर आइंदा आपने दोबारा ऐसी कोई बेवकूफी की तो मैं डैड का लिहाज भी भूल जाऊंगा। आई जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर वलीद दैट यू शुड अंडरस्टैंड। हया और आबरू को इस घर से जाना पड़ेगा। करेक्ट वली, तुम और मामा इस हद तक गिर जाओगे मैंने सोचा भी नहीं था। इतनी घटिया हरकत। कि ये सब मैंने शुरू किया था, लेकिन इस सब में भाई की जान चली जाएगी, ये मैंने नहीं सोचा था। आंटी तुम दोनों के रिश्ते में भी अब यही इख्तलाफ डालना चाहती हूँ। तुम ये सब कुछ जानते थे मेरी। लेकिन ये सब से क्या फर्क पड़ता है? सिर्फ तुम्हें और रायान को चाहता। मामा ये सब कुछ चाहती है। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और तुम लोगों को तमाम पुरानी बातें भुलाकर अपनी खुशी के लिए, अपने बच्चे की खुशी के लिए एक नया आगाज करना चाहिए, एक नए सफर का आगाज। और अगर तुम लोग अपनी गलती मानते हो तो आबरू को उसका हक वापस दिलवाओ, मीर से भी माफी मांगो, तब ये सब कुछ सही हो सकता है। क्या हो गया है आबरू? ये क्या तरीका है, किस तरह बिहेव कर रही हो मुझसे? अगर मुझे पापा का लिहाज नहीं होता ना तो मेरा वो हशर करती कि तुम सारी जिंदगी याद रखती। तुम मुझे बताओ कि हुआ क्या है? मुझे शर्म आ रही है कि तुम मेरी छोटी बहन हो। देखो आबरू, मैं तुम्हारा लिहाज कर रही हूँ, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि तुम बिना किसी सबूत के गलत फहमी की बुनियाद पर मेरी इंसल्ट करती रहो।
इससे बड़ा और सबूत क्या होगा? मैंने अपनी आंखों से तुम्हें मीर के साथ कल रात देखा था। अब चुप क्यों हो गई? है कोई जवाब तुम्हारे पास? कहां गई थी तुम मीर के साथ और क्यों गई थी? क्या रिश्ता तुम दोनों में? तुम्हें समझ नहीं है कि वो मुझसे नाकाम मोहब्बत का बदला लेना चाह रहे, तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। अफसोस होता है मुझे तुम्हारी सोच पर। बिना हकीकत जाने किसी पर इल्जाम लगाना गुनाह होता है आबरू। अच्छा तो मैं झूठ बोल रही हूं? क्या कल रात तुम मीर के साथ नहीं थी? मैंने कब कहा कि मैं मीर के साथ नहीं थी? लेकिन कल अगर मीर भाई मेरी मदद नहीं करते ना, तो आज ना जाने मेरा क्या हाल होता। क्या मतलब? कल रात तो फरिश्ता बनकर आए थे मीर भाई, अगर वो मेरी मदद ना करते तो मैं आज किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। और बाबा वो तो कभी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते। आबरू तुमने कल जो कुछ भी देखा वो सिर्फ तुम्हारी आंखों का धोखा था। मैंने तुमसे भी पूछा था और मीर से भी, तो मेरे पूछने के बावजूद तुमने और मीर ने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? बताया क्यों नहीं? मैंने ही उन्हें मना किया था कि तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया वरना तुम और परेशान हो जाओगे। उफ मेरे अल्लाह, मुझसे अनजाने में कितनी बड़ी गलती हो गई। मीर ने तो सनत के साथ हमदर्दी की, हम पर एहसान किया और जवाब में मैंने उसे कितनी बुरी तरह से जलील कर दिया। क्योंकि वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करते हैं, इसलिए तुम्हारे सामने खामोश खड़े रहे और तुम उनसे इतनी नफरत करती रही कि उनको उन गुनाहों का जिम्मेदार भी ठहरा दिया जिसकी उन्होंने नियत भी नहीं की होगी। उन्होंने तो मुझे ये बताने से भी मना किया कि मैं तुम्हें ना बताऊं कि वो तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। सना, जो कुछ भी मैंने उसे कहा चुपचाप खड़ा बर्दाश्त क्यों करता रहा? कुछ कहा क्यों नहीं? सच्ची मोहब्बत की यही निशानी तो होती है कि वो अपने महबूब की खुशी के लिए खुद को भी कुर्बान कर देता है। मैं घर बिजनेस पैसा से भी अलग करना चाहता था क्योंकि मैं तुम दोनों को हर वक्त अपनी आंखों के सामने एक साथ नहीं दे सकता था। कल तक तो बड़े इज्जतदार होने का दावा कर रहे थे, खैरत जाग रही थी मुझे सड़क पे अकेला खड़ा देखकर। निकले ना तुम वलीद की तरह घटिया, घिन आ रही है मुझे तुमसे। तुम्हें इसी बात का गुस्सा है ना कि मैंने तुम्हारे भाई से शादी कर ली थी तुम्हें छोड़कर, और तुम उसी बात का बदला लेने के लिए मेरी बहन? तुम इतने घटिया हो सकते सना? हमेशा की तरह इस बार भी नाकामी ही तुम्हारा मुकद्दर बनेगी, समझे तुम?